हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं प्रिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी। वेज बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप राइस। ये मैंने बासमती राइस लिया है, इसे मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और सब्जियों में मैंने लिया है गोभी। गोभी को मैंने बहुत छोटे पीसेस में कट किए हैं। शिमला मिर्च, इसे भी मैंने इस टाइप के पीस में कट किए हैं। आलू, प्याज, बीन्स और गाजर। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ा टमाटर, इसे मैंने छोटे पीस में कट कर लिए हैं, 4 बड़े हरे मिर्च, बिरयानी मसाला, नमक, ये मैंने धनिया और पुदीना को काट करके लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, इसमें लिया मैंने तेज पत्ता, जीरा, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। बिरयानी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले हमारे थोड़े से भुन गए हैं, अब हम इसमें प्याज डाल दे रहे हैं। इसमें 2 मिनट तक हम ट्रांसपेरेंट होने तक भुन देंगे। अब हम इसमें कटे हुए हरे मिर्च डालेंगे। प्याज थोड़े देर भुनने के बाद अब हम इसमें गाजर और बीन्स डाल दे रहे हैं। गाजर और बीन्स भी हार्ड होते हैं, इसलिए मैंने पहले डाला है। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। इन सभी चीजों को थोड़ी देर भुनने के बाद अब बाकी सब्जियों को भी हम साथ में डाल देंगे। और साथ में टमाटर भी डाल देंगे। 5 मिनट इन सभी चीजों को पकाने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पका ले रहे हैं। सारी सब्जियां हमारी हाफ कुक हो गई है। अब हम इसमें लेमन जूस डाल दे रहे हैं और बिरयानी मसाला और धनिया और पुदीना के पत्ते। मिक्स कर लेंगे। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट ढक के पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे। 2-3 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद अब मैं इसमें राइस डाल रही हूँ। राइस डालने के बाद हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करके हम 2-3 मिनट इसी तरह भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। राइस भी मैंने भून लिया है, अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। राइस मैंने 2 कप लिया था तो पानी भी मैं 4 कप ले रही हूँ। पानी मैंने डाल दिया है, अब हम इसे ढक करके इस प्लेट के ऊपर हम कोई वेट वाले चीज रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम तक पका लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा हाई फ्लेम कर देंगे। 30 मिनट्स बाद हमने बिरयानी को चेक किया। बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है, हम इसे सर्व कर लेंगे।